जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन छोरी है बड़ी अच्छी, सुंदर, शांत, माँ की इकलौती बेटी। राधे कृष्ण शंकर ताई, खुश रहे, खुश रहे। आए ब्याह तो अप्सरा का करवाया शंकरी ने, खूब अच्छा लगा। दोनों परिवार इतने अच्छे सुलझे हुए और रिश्ता भी ऐसा कि बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी जैसा। सच बड़े भाव से हो गए ऐसे रिश्ते। हाँ शंकरी ताई, वो आप अभी उस लड़की की बात कर रही थी ना, स्नेहा, काफी तारीफ कर रही हैं आप उसकी। फोटो दिखाइए ना, देखिए तो कैसी है। हाँ है ना फोटो, ये देख कहाँ गई स्नेहा। जले जले फोटो दे। राधे कृष्ण शंकरी ताई। हाय राधे कृष्णा, थारे वास्ते भी छोरा पसंद किया है मने। हाँ क्या ताई, खानदानी छोरा है, ऐसा तेज चेहरे पे और तो बड़ी बड़ी मूछों पे ऐसा ताव कि थारे दादाजी तो देखते ही हाँ कह देंगे। हाँ स्नेहा के लिए रिश्ता नहीं ताई, प्लीज माँ। फिर बता दे तन्ने कैसा छोरा पसंद है। आ, थारी उम्र हो गई शादी की, अपने माँ बाबू जी की चिंता दूर कर। माँ मैं आपकी चिंता हूँ क्या? नहीं बेटा, शंकरी ताई तो मजाक कर रही है। चिंता तो मेरी दूर हो गई है। क्या बात है, आज तो कोई अकेली अकेली मुस्कुरा रहे। वाव, ये डिजाइन्स तो बहुत ही अच्छे हैं। सच? और नैतिक जी को तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। तारे तो ठीक ही कह रही थी, मैं बेकार में ही घबरा जाती हूँ। नैतिक जी तो मेरे काम की तारीफ कर रहे थे, बहुत खुश थे, और मैं पागल वो एक कार्ड देखकर कुछ और ही समझ बैठी। वो कार्ड देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वैसे भी तेरे पास जमीन पर टिकते कहाँ है, और अब तो तुझे कोई प्रपोज करने वाला है। अब बैठी क्या है, जल्दी से जाके उन्हें डिजाइन दे देना, ताकि ये उन्हें जल्दी से बनाकर तुझे पहना सके। नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, तू कॉलेज जाते हुए उनके ऑफिस में ये डिजाइन ड्रॉप कर देना। अरे मैं क्यों, तू ही जाना, मिलने का अच्छा मौका है। हाँ पर नहीं, तू ही चली जाना प्लीज। ठीक है, उनके ऑफिस पहुंचने से पहले पहुंचा दूंगी मैं। ये ले। ठीक है चल बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नहीं। ये कब आया? सर एक लड़की आई थी, उसने कहा था श्रेया मैडम ने भेजा है। ठीक है। ये क्या लिखकर भेजा है? ये डिजाइन्स जिसके लिए खास बनवा रहे हैं उसमें से एक आप उनके लिए पसंद कर लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छे डिजाइन है, सारे अच्छे हैं, दिस इज द बेस्ट। हेलो जी, आप मेरे कैबिन में आ जाइए। जी जी सर। देखिए मुझे ऐसी ही रिंग बनवानी थी। अच्छी है सर। आप एक काम कीजिए, आप कारीगर को बुलवा लीजिए,
और इस पे काम शुरू करवा दीजिए। मुझे रिंग शाम तक चाहिए। ठीक है सर। और सुनिए, उनसे ये भी कहिएगा कि डिजाइन के बीच में एन लेटर होना चाहिए। ठीक है। हेलो लेक्यू गार्ड जी, मैं आज शाम के लिए एक बोट बुक करना चाह रहा था। जी जी, मिस्टर एंड मिसेस नैतिक सिंघानिया के नाम पर। थैंक यू सो मच। मेरा सरप्राइज अभी बाकी है, इंतजार कीजिए। मेरा सरप्राइज आपकी खिलती हंसी की तरह है, एकदम स्पेशल। इतना स्पेशल है ये सरप्राइज कि वो ना जमीन पर मिलेगा और ना ही आसमान में। क्या हो सकता है? हैप्पी ना? अनूठा सा सरप्राइज सिर्फ आपके नाम। अब बता भी दीजिए नैतिक, क्या है वो? अक्षरा बेटा, पंचांग के अनुसार आज का दिन बहुत शुभ है। आज माँ से जो भी कामना करो वो पूरी होती है, इसलिए भाभी माँ कह रही थी शाम को हम सब मंदिर जाएंगे आरती के लिए। चलोगी ना? माँ, हम अभी नहीं जा सकते हैं। नहीं बेटा, ये पूजा तो संध्या काल के समय ही होती है। अक्षरा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, मैं चलूंगी। ठीक है बेटा, सारे काम जल्दी से निपटा लो, संध्या होने से पहले पहले मंदिर पहुंचना होगा ना। ठीक है माँ, मैं जल्दी खाना बनवा देती हूँ। मैं भी पूजा की तैयारी कर लूँ। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से तराशा आपने इसे, इतने कम समय में आपने बना दी। थैंक यू सो मच। डिजाइन के हिसाब से ठीक तो बन गई है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने इसके बीच में तो एन लेटर नहीं लिखा। मैंने आपसे कहा था ना इन्हें बताने के लिए। मैंने आपसे बोला सर, वो क्या है कि एन को ठीक बीच में लिखना संभव नहीं था, अगर बीच में लिखता तो रिंग खराब ही हो जाती। कुछ तो कर सकते हैं ना? हाँ सर, ये हो सकता है कि अगर आप हमें डिजाइनर से पूछ लें तो वो बता देंगे कैसे बनाई जाए, और शायद उनसे कोई आइडिया मिल जाए। भगवान करे नैतिक जी को मेरे डिजाइन्स अच्छे लगे। तू टेंशन मत ले, तेरे डिजाइन्स इतने अच्छे थे कि उन्हें ना पसंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे बेटा सुनो, मैं थोड़ी देर में मंदिर जा रही हूँ, तुम लोगों को चलना है क्या? आज वहाँ एक खास पूजा है। क्यों? होती है बेटा, अगर आज पूरी भक्ति से पूजा की जाए तो माँ सारी इच्छाएं पूरी करती है। हाँ
मैं चलूंगी माँ, अभी तैयार हो जाते हैं। ठीक है। मासी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं सारी लिस्ट तैयार करके रखती। सब कुछ मांग लेना, जो तेरे लिए अच्छा होगा वो तुझे जरूर मिलेगा। अब तुम लोग जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है? लो, आ गया तुम्हारी तमन्ना का फोन। हेलो नैतिक जी, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। जी? जी, मेरा मतलब है ये पूछने के लिए कि मैंने आपको डिजाइन्स भेजे थे, आपको मिले, पसंद आए कि नहीं? जी ऑफ कोर्स, बहुत पसंद आए, बल्कि उनमें से एक डिजाइन तो मैंने बनवा भी लिया है। ओह रियली, दैट्स ग्रेट। जी मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम आपके उस हार्ट शेप के डिजाइन में कहीं एंड लिखवा सकते हैं? जी अगर आपको ठीक लगे तो। जी कर सकते हैं। ओह ग्रेट, तो कोई सजेशन दीजिए ना कि हम कहाँ लिख सकते हैं। कारीगर कह रहे थे कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? अंगूठी के बीच में एक जगह है जहाँ पे आप पेन बना सकते हैं। ग्रेट, मैं कारीगर से कह देता हूँ, वो आपके हिसाब से बनवा देंगे। जी एक मिनट। जी मैडम कह रही है कि इसके ठीक बीच में हम एन लिखवा सकते हैं। आप मुझे अंगूठी शाम तक दे दीजिए। स्नेहा जी, आपने तो मेरी पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। स्नेहा? दरअसल मैं अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था, एंड आई होप कि उन्हें ये अंगूठी बहुत पसंद आएगी। हेलो स्नेहा जी। बेटा आज तू ये ड्रेस पहन लेना। जी माँ। ठीक है। हेलो। क्या कर रही हैं? मैं बस आप ही को फोन करने वाली थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो मैं माँ के साथ मंदिर जा रही हूँ। क्या मंदिर? अभी क्यों जाना है? आप प्लीज मत जाइए। नहीं नैतिक, मुझे जाना होगा, माँ की बहुत इच्छा है, वो कह रही थी कि आज कोई शुभ दिन है। अरे मानो तो हर दिन शुभ होता है, अब आप आज नहीं जाएंगी? नैतिक सब तैयार हो गए हैं। तो आप कोई बहाना कर दीजिए ना। लेकिन क्या? ज्यादा सवाल मत करिए, बस आप सबको मना कर दीजिए। नैतिक मैं माँ से हाँ कह चुकी हूँ, हम बस निकलने ही वाले हैं, सारी तैयारी हो चुकी है। अक्षरा, माँ बुला रही हैं। प्लीज अक्षरा उन्हें मना कर दीजिए ना। नैतिक मुझे जाना पड़ेगा अब सब। देखिए अक्षरा, हेलो बेटा, गंगा जल ले लिया ना, वहाँ पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्पण करेंगे। जी माँ, ले लिया है। अब जल्दी चलो, संध्या होते ही पूजा करनी है। जी चलो। मैं रखती हूँ। हाँ अक्षरा। अरे अरे शारदा बहन, आप इधर। राधे कृष्ण पंडित जी। राधे राधे, राधे।
लोग जा करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दीजिए। आप चलो। छोटी दुल्हन, पूजा के लिए थोड़े फूल खरीद ले। जी। बहू, तुम पूजा शुरू करो, हम लोग आते हैं। सरप्राइज, आपसे जो प्रॉमिस किया था उसे ही पूरा करने के लिए आया हूँ। कौन सा प्रॉमिस? अरे आप, उस सरप्राइज का जो ना दिन में मिलेगा ना रात के अंधेरे में, जो ना जमीन पर होगा ना आसमान में। एक मिनट, कैसे लगी? क्या हुआ बेटा, तू यहां क्यों रुक गई? स्नेहा? जी माँ। तू वहाँ क्या देख रही है? मिताली इंतजार कर रही है, घर नहीं चलना है? तू ठीक है ना बेटा? जी माँ। तो चल। अरे मुन्ना, वो माँ, मैं यहाँ पर एक क्लाइंट से मिलने आया था पास में, तो अक्षरा से पता चला कि आप लोग भी यही मंदिर में हैं, तो मैं चला आया। अच्छा हुआ, अब तू भी हमारे साथ पूजा कर ले बेटा। हाँ जी भाभी माँ, अब हम साथ पूजा करेंगे। आओ बेटा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।